हे एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? मैं तो ठीक हूँ। आप सब लोग बताइए, आप सब लोग कैसे हो? इतने सारे मैसेज हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा किस किस का रिप्लाई करूँ, किसका मैं रिप्लाई ना करूँ, क्योंकि इतने सारे मैसेज मैंने देखे हैं। तो सब लोग पूछ रहे हैं कि अंशु आप कहाँ हो, कहाँ चली गई। तो मैं जो है कहीं गई नहीं थी। वो क्या हुआ था कि मेरी ना तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। और आज मैं जो है ठीक हूँ। अभी नहा के जो है मैंने सुबह फास्ट जो है पूजा वूजा की मैंने, और मैंने ये लिप शेड अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि पड़े पड़े बहुत बोर हो रही थी मैं। मतलब जब बीमार होते हो आप और घर में पड़े हो, और भी ज्यादा बीमार हो जाते हो, तो इसी वजह से। और मैं जो है इतने सारे कमेंट, अंशु दीदी कहाँ चली गई, इतने दिन हो गए, वीडियो को बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। तो पढ़ के कमेंट बहुत अच्छा लगा, यहाँ तक कि मेरे व्हाट्सएप पे ऑलमोस्ट सबके मैसेज आ चुके हैं कि कहाँ हो, वीडियो क्यों नहीं आ रही है। तो अच्छा लगा कि भाई चलो चलो, लोग मिस तो करते हैं, मैं कहीं चली गई तो। मुझे लगता है कि शायद 10-11 दिन हो गए हैं मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है। उसका रीजन ये हुआ था कि मैंने अपना एक व्लॉग का एंड किया था, उसके बाद सुबह के टाइम क्या हुआ था, मुझे फीवर हो रहा था हल्का हल्का सा। तो वो फीवर जो है, मुझे लगा नॉर्मल फीवर है, ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। और मेरा जो है ये वाला एरिया, मतलब मेरा गला, वो सूज गया। अब वो सूजा किस वजह से था, वो अक्कल डाली निकलती है, वो निकल गई मेरे। और ऊपर से क्या हुआ था, उस टाइम पे नवरात्रे नहीं चल रहे थे, तो मैंने मक्का के दाने खा लिए थे, भुने हुए जो है मैंने वो खा लिए थे, और उसी दिन ही मैंने चावल भी खाए थे, और भी मैंने बहुत सारी चीज खाई थी। उसकी वजह से क्या हुआ, मेरा गला सूज गया। और उस टाइम पे कोरोना वायरस का अभी भी बहुत है, लेकिन जब था कि भाई कोरोना वायरस है, और जो उसके सिम्टम्स है वो होते हैं कि गले में दर्द होता है, तो एक न्यूज़ इतनी खतरनाक खतरनाक न्यूज़ आ रही थी उन्हें देख के, और फिर वही मेरे गले में दर्द, और उसका मतलब मजाक उड़ा रहे थे, ऐसा कुछ था नहीं। वैसे मुझे, मैं बोल रही थी मेरे यहाँ पे दर्द होता है, यहाँ पे ये वाला एरिया, और एक गाल मेरा बहुत सूज गया था, जिसकी वजह से मुझे फीवर चढ़ गया। और कुछ इतने बीमार से ज्यादा मेंटली बड़ी परेशान हो जाते हैं कि भाई पता नहीं मुझे क्या हो गया, मुझे हो तो नहीं गया, ऐसा सब कुछ होता है, चलता है माइंड में, दिमाग जो एकदम ठीक से नहीं होता। तो जो है टेस्ट वेस्ट कराए थे, सब कुछ ठीक है, सब कुछ भी नहीं है, बस फीवर चल रहा था, बहुत ज्यादा फीवर था, अपनी बहुत सारी परेशानियां थी। अब क्या आप लोगों को मैं बोर करूं, कुल मिलाकर ये देख लीजिए कि 4-5 दिन मेरा फोन जो है ऑफ रहा है, मैंने चलाया नहीं है अपना फोन, क्योंकि मेरी आंखों में भी जो है यहाँ पे अंजनियारी बोलते हैं ना उसे, वो निकल गई थी, उसकी वजह से मेरी आंखों में पानी आ रहा था, तो मैंने फोन यूज नहीं किया, वो भी जो है बिल्कुल 4 दिन तक तो मेरा फोन ऑफ ही रहा है। तो मुझे कोई कुछ नहीं पता कि यूट्यूब पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो इसी वजह से मैं चली गई। फिर मैंने सोचा कि जब तक मुझे बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं हो जाता, मैं वापस नहीं आऊंगी। कुछ ये भी था कि अब जैसे मैं 1-2 दिन से काफी ठीक ठाक से महसूस कर रही हूँ, लेकिन अब जो है मैं जैसे खा ली हूँ, तो मुझे ना ऐसा लगता है बैठे बैठे कि मैं और भी ज्यादा बीमार हो जाऊंगी। तो इसी वजह से मुझे लगा मुझे अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ, मुझे खुद को ऐसा लग रहा है कि मैं पता नहीं कितने टाइम बाद वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आज क्या तारीख है, आज है 31 मार्च। तो ये वीडियो जो है मैं कल को आप लोगों को डाल दूंगी, क्योंकि इतने सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं अंशु कहाँ चली गई, कहाँ चली गई, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को अपडेट करते रहना चाहिए। और 21 दिन का लॉकडाउन है, सब लोग अपने घर पर ही होंगे, कहीं बाहर मत जाना, हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं। और मैं तो पहले भी इतना नहीं घूमती थी, लेकिन सागर बहुत ज़्यादा घूमता था, लेकिन जिस दिन से भी लॉकडाउन हुआ है, उससे जब मोदी जी ने बोला था तब ये घर से बाहर गया था, लेकिन उसके बाद मम्मी पापा ने घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने दिया, और जाना चाहिए भी नहीं, क्योंकि बिल्कुल भी सेफ नहीं है घर से बाहर जाना। तो घर ही रहें, कोशिश करें कि बाहर बिल्कुल ना जाएं, घर में सबके साथ रहिए। आज मैंने पहली बार ऑनलाइन लूडो खेला, काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे। सागर पबजी भी खेलाना सिखा रहा है कि पबजी कैसे खेलते हैं, अच्छा टाइम पास हो जाता है अपना, और फ्री बैठे बैठे क्या करें। तो बहुत सारी चीजें, ऑनलाइन गेम डाउनलोड कीजिए, हॉटस्टार पे मूवी देखिए, जितने भी सीरियल है वो देखिए। मैं सीरियल नहीं देखती हूँ, लेकिन आजकल ना मैं सीरियल बहुत देख रही हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ के, डायन वाला नहीं आता वो,
हाँ पता नहीं कौन सा है वो वाला देख रही हूँ। बहुत सारे सीरियल जो है मैं देख रही हूँ, आप लोगों को पता ही है मैं सीरियल नहीं देखती हूँ। तो कल से जो है मेरा रेगुलर ब्लॉगिंग आएगी। ये जो आपने पहले वाला पार्ट देखा था वो मेरा जो है पहले का शूट हुआ था जो मैं नहीं डाल पाई थी अपनी तबीयत खराब होने की वजह से, इसीलिए मैंने आज वाली वीडियो में ये कंटिन्यू कर दिया है। तो यही है अपडेट, परेशान मत होइएगा। और सबसे बड़ी बात, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इतने मैसेज किए इंस्टाग्राम पे, मुझे इतने मैसेज है ना, मुझे आज तक कभी इतने मैसेज नहीं आए। मैं करे जा रही हूँ मैसेज पे मैसेज मैसेज मैसेज, इतने सारे मैसेज आए हुए हैं जो कहाँ हो। शायद कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने कभी आज तक मुझे मैसेज ही नहीं भेजा, लेकिन सब लोगों ने मुझे मैसेज भेज भेज के पूछा है जो कहाँ हो कहाँ हो। सबको थैंक यू सो मच, आप लोगों को इतना ज़्यादा प्यार देख कर बड़ी खुशी सी होती है कि हाँ भाई आप लोग को है अंशु कहाँ पे है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और वैसे तो नवरात्र खत्म हो गए हैं, लेकिन और लास्ट वाला नवरात्र है, किस किस का फास्ट है ये भी जरूर बताना। बाय बाय।